हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू G3 लर्निंग क्लास। होप ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। एंड टुडे वी विल स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर ऑफ सिविक्स, दैट इज अबाउट द गवर्नमेंट। जो किसके बारे में बेटा? टोटली इट इज डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। लेट्स स्टार्ट इट, इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। अ गवर्नमेंट इज एन इम्पोर्टेंट एंड द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए कंट्री। ये आपको पता है ना कि जो गवर्नमेंट होती है वो इम्पोर्टेंट होती है और एसेंशियल कंपोनेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। और बेटा इमेज कीजिए अ सिचुएशन, आप इमेजिन कीजिए कि कोई भी जो सिचुएशन है इन योर क्लास का, आप अपनी क्लास का इमेजिन कर सकते हैं विदाउट ए टीचर, कि एक टीचर के बिना, या फिर एक स्कूल को विदाउट ए प्रिंसिपल के बिना। व्हाट विल हैपन, क्या होएगा? देयर वुड बी ए लॉट ऑफ द कन्फ्यूजन, बहुत सारे आप जो कन्फ्यूजन है वो क्रिएट हो जाएंगी, वहाँ पर है नॉइज है वो क्रिएट्स हो जाएगा। और बेटा इस सब की जो है कन्फ्यूजन और आपके जो इस सिचुएशन से है बचने के लिए वी अपॉइंटेड द सम बॉडी, हम किसी को है वहाँ पर अपॉइंट करते हैं या सम सिस्टम है अडोप्ट करते हैं। और क्यों करते हैं? टू कंट्रोल द सिचुएशंस, आपकी वो सिचुएशन है उसको है कंट्रोल करने के लिए। सेम वैसे ही टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कि हमारी जो आपके लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, या फिर टू एंश्योर द कॉपरेशन अमंग द पीपल, कि व्यक्तियों के बीच के अंदर है आपका जो कॉपरेशन को आपको कायम रखने के लिए। अ गवर्नमेंट इज नीडेड फॉर अ कंट्री, किसी भी कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। और बेटा जो पावर होती है या फिर जो भी फंक्शंस होते हैं ऑफ ए गवर्नमेंट के, दे रिमेन द डिफर, दे आर द डिफर, वो बहुत ही अलग अलग होते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। यानी कि हर एक आपकी जो कंट्री के जो गवर्नमेंट के जो फंक्शन होते हैं, जो पावर्स होते हैं, दे आर द डिफर, वो अलग अलग पाए जाते हैं। और बेटा गवर्नमेंट इज द सिस्टम, गवर्नमेंट कैसा सिस्टम होता है? इट इज़ द सिस्टम बाय विच, जिसके द्वारा आ स्टेट इज गवर्न्ड, कि हम किसी भी स्टेट को है उसको कंट्रोल करते हैं, उसके ऊपर है अपने जो है लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। और बेटा इन्हें डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अ गवर्नमेंट जो फंक्शन होते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसके ऊपर बेस होते हैं? दे आर टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपका बेस होते हैं। और बेटा आपकी जो डेमोक्रेटिक जो कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग फंक्शन करती है, किसके अकॉर्डिंग कार्य करती है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कार्य करती है। नाउ बेटा मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, पहले इसको क्लियर करेंगे। अ गवर्नमेंट इन द इन एन आपको इंस्टीट्यूशन, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है डैट मेक्स द पॉलिटिकल डिसीजन, जो किसके ऊपर आपको जो बेस होता है ये जो पॉलिटिकल डिसीजन है उसको बनाता है टू रन अ कंट्री, किसी भी कंट्री को है रूल करने के लिए, उसको है कंट्रोल करने के लिए। और बेटा इट रेफर्स फॉर द ग्रुप ऑफ द पीपल, आपके जो पीपल्स के ग्रुप को रेफर करता है, हु आर द रिस्पॉन्सिबल, जो क्या होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंट्रोलिंग अ कंट्री, किसी भी आपकी जो कंट्री को है कंट्रोल करने के लिए या किसी भी स्टेट को है कंट्रोल करने के लिए। इनफैक्ट वास्तव में बेटा इट इज एन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन, यानी कि ये क्या होता है, एक आपका हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन होता है यानी कि प्रशासन का एक अंग होता है ऑफ एन एरिया, किसी भी आपके एरिया का या फिर किसी भी कंट्री का। और बेटा इट इज ए सिस्टम बाय विच, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके द्वारा जो पीपल है गवर्न किए जाते हैं, उनको है कंट्रोल किया जाता है। और बेटा जो गवर्नमेंट है एक्सप्रेसिस द विल ऑफ द स्टेट, वो किसके अकॉर्डिंग आपके जो है इच्छाओं को, अपने जो कार्यों को आपको एक्सप्रेस करती है? अकॉर्डिंग टू द स्टेट, किसी भी स्टेट के ऊपर या फिर किसी भी कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। एंड नाउ बेटा द नीड फॉर गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट सिस्टम होता है वो क्यों उसकी आवश्यकता होती है, व्हाट इज द नीडेड ऑफ अ गवर्नमेंट, कि हमारी जो गवर्नमेंट की क्यों आवश्यकता होती है। इफ एनी सोसाइटी के अंदर द इंटरेस्ट एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द वास्ट नंबर, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी होती है वो ज़्यादातर आपके किससे में आपकी जो है एंगेज होती है, यहाँ पर बहुत सारे डिफर आपकी जो कम्युनिटी के हैं, रिलीजियंस के जो पीपल है वो आपको जो है एंगेज करते हैं, वो पाए जाते हैं।
तो बेटा आपकी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं उन जो पीपल्स की, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं ऑफ द वास्ट नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी कि इस जो कंट्रीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो आपके वास्ट नंबर की उनकी जो प्रॉब्लम्स है राइज अप होती रहते हैं। और बेटा कैन नॉट बी द सेम, वो एक सी नहीं हो सकती है, क्योंकि हर जो कम्युनिटी के जो पीपल्स की डिजायर है, उसकी जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है, दे आर डिफर टू वन अनदर, एक दूसरे से अलग रहती है। और बेटा द क्लैश ऑफ द इंटरेस्ट, यानी कि जो पीपल होते हैं, जो आपके जो सिटीजन होते हैं, उनके जो इंटरेस्ट के अंदर है क्लैश होता रहता है, एक दूसरे से वो टकराते रहते हैं। और द ग्रुप कॉज, आपको जो ग्रुप होता है उसके जो पीपल्स की जो डिजायर है वो आपकी अलग अलग होती है, इस वास्ते बेटा दे कॉजेज द कॉन्फ्लिक्ट, वो किसको ज़्यादा आपके कारण बनते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट का जो आपका जो झगड़े होते हैं उसको ज़्यादा राइज अप करते हैं। और बेटा जो आपकी जो सोसाइटी के अंदर है लॉलेसनेस, यानी कि हमारे जो कानून व्यवस्था है बिल्कुल ही रफ हो जाती है। और बेटा इन सिचुएशन, इस आपकी जो सिचुएशन के अंदर हमारी जो आपका जो है राइट आपका बन जाता है टू कंट्रोल दैम, उनको है कंट्रोल करने का। और इसलिए टू रिस्टोर लो एंड ऑर्डर की, यानी कि लो एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए, उसको है कायम रखने के लिए, या फिर टू अनश्योर द कॉपरेशन अमंग द पीपल, जो व्यक्तियों के बीच के अंदर है उनके जो कॉपरेशन को, सहयोग को बनाए रखने के लिए, टू मेक द कलेक्टिव डिसीजन, और उनके जो आपके जो है कलेक्टिव डिसीजन को बनाए रखने के लिए, या फिर आपका टू गेट द थिंग्स डॉम, आपकी जो है जो भी आपकी जो थिंग्स है, जो भी आपकी जो वस्तुएं हैं वो आपकी जो है की जाती है। और बेटा अ नीड फॉर द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें एक जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी है आवश्यकता होती है, वो है हम अनुभव करते हैं। और इस वास्ते बेटा जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसको किस नाम से जाना जाता है, दिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज द गवर्नमेंट, उसको क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट कहा जाता है। नाउ फंक्शंस ऑफ ए गवर्नमेंट, कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कौन कौन से कार्य करते हैं, उसके क्या क्या पावर होती है, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द गवर्नमेंट अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ इन मैनी वे, हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो हमारी जो डेली लाइफ को अफेक्ट करती है, उसको है प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है। और बेटा इन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द वेरियस फंक्शंस ऑफ ए गवर्नमेंट आर एज फॉलो, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो अलग अलग के जो बहुत सारे आपके जो है फंक्शंस को एक्ट करती है, और वो वाले फंक्शंस है उसके जो कार्य है, उसकी जो पावर है वो कौन कौन सी है। फर्स्ट इज द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, आपको पता है कि सबसे पहले जो मेन जो हमारा जो फंक्शन होता है गवर्नमेंट का वो क्या होता है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी के अंदर है हमारा जो लॉ और ऑर्डर है वो कायम रहे, यानी कि इट अनश्योर द लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर है कानून व्यवस्था को है बनाए रखती है। इट मेक द इम्प्लीमेंट लॉ, इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, डेट इज द इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है बेटा किसी भी आपके जो है लॉ को, आपके जो कानून को है लागू करना, कम इनटू द फोर्स, उसको है एक्टिव करना, उसको है लागू करना, तो उसको क्या कहा जाता है, इम्प्लीमेंट कहा जाता है, यानी कि इट मेक द इम्प्लीमेंट है लॉ, ये आपके जो कानून बनाती है उसको है लागू करती है फॉर द अपने जो पर्पज के लिए, उसके जो है सोसाइटी को है, जो आपके जो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए। और बेटा इन द केस ऑफ द डिस्प्यूट में, या फिर क्राइम के केस के अंदर हमारी जो लोअर ऑर्डर है वो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, किसके द्वारा आपके लागू किए जाते हैं, एंड दिस इज डन बाय आवर गवर्नमेंट, वो किसके द्वारा किया जाता है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा किया जाता है। और बेटा जो गवर्नमेंट है रिसॉल्व आपका जो है उसको रिसॉल्व करती है, हमारे जो आपके जो हो जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, झगड़े होते हैं, या फिर डिस्प्यूट होते हैं, उनको है आपका जो है सुलझाती है, कहाँ पर आपकी जो है इसको रिसॉल्व करती है, थ्रू द कोर्ट्स, हमारी जो कोर्ट्स होती हैं उनके द्वारा है उनको है सॉल्व करती है। और बेटा जो आपको पता है कि जो कोर्ट्स आर द आवर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि जो हमारी जो कोर्ट्स होती हैं वो भी किसका पार्ट होती हैं, दीज आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट के पार्ट्स होते हैं। आपको पता है ना कि हमारी जो हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, वो किसके अंडर में होती है, किसके अंडर के अंदर आपको जो कंट्रोल है फंक्शन करती है, किसके अंडर आपको जो काम करती है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग दे आपका डू द वर्क, आपका जो कार्य करती है। सेकेंड इज द
प्रोवाइडिंग द बेसिक फैसिलिटी कि हमारी जो बेसिक फैसिलिटी है उसको है फुलफिल करना, उनको है कंप्लीट करना। और बेटा गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्योंकि ज़्यादातर आपको जो मेन आपका जो मोटिव होता है गवर्नमेंट का वो क्या होता है कि वेलफेयर वर्क करना फॉर द पीपल के लिए, कि व्यक्तियों के लिए आपके जो वेलफेयर वर्क है वो करना, ठीक है। और बेटा इट प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटी टू द पीपल, जो हमारी जो पीपल है जो सिटीजन का है उनको है बेसिक फैसिलिटी है वो है प्रोवाइड करती है। और आपको पता है कि हमारी जो बेसिक फैसिलिटी कौन सी होती है, हमारी जो रोटी कपड़ा और जो मकान होती है ये सारी की सारी क्या है, हमारी जो बेसिक फैसिलिटी होती है। और बेटा जो हमारी जो गवर्नमेंट होती है इट प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटी टू द पीपल, जैसे कि कौन कौन सी जो हमारी बेसिक फैसिलिटी है, दीज आर द इन एज द एजुकेशन है, हेल्थ केयर आपका होता है, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो आपका फैसिलिटी होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटी होती है, ऑल दीज फैसिलिटी आर आपका फुलफिल बाय द गवर्नमेंट, किसके द्वारा हमारी जो कंप्लीट की जाती है, किसके द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है, बाय द गवर्नमेंट वर्क के द्वारा। और बेटा जो हमारी जो गवर्नमेंट होती है इट बिल्ड्स द रोड, वो क्या करती है हमारे जो रोड्स हैं उनको बनाती है, ब्रिज हैं उनको बनाती है, स्कूल को ऑर्गेनाइज करती है एंड द हॉस्पिटल को आपको जो है बिल्ड करती है। और बेटा जो आपका प्रोवाइड द सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, और जो हमें है इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो भी हमारी जो गवर्नमेंट की वर्क के द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है। या फिर हमारी जो पोस्टल या फिर रेलवे जो सर्विसेज है, दीज आर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, ये हमारी जो फैसिलिटी है किसके द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है, ऑल दीज फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड बाय द आवर गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा हमें है प्रोवाइड की जाती हैं। यानी कि इन सभी जो फैसिलिटी की जो आपकी जो है प्रोवाइडिंग जो आपकी जो अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है। और बेटा इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ द गवर्नमेंट की, हमारी जो गवर्नमेंट की होती है टू अनश्योर डैट ऑल द सिटीजन्स की, उसके जो सभी जो सिटीजन होते हैं नागरिक जो होते हैं हैव द एनएफ टू ईट की, उनको है खाने की जो आपकी जो है व्यवस्था है पूरी हो सके, यानी कि हमारी जो फूड की आपकी जो है फुलफिल की होती है, जो खाने की जो आपकी जो है एनएफ आपकी जो सिटीजन्स की जो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो किसके द्वारा आपकी फुलफिल की जाती है, एंड दैट इज द आपका बेसिक वर्क ऑफ द गवर्नमेंट का टू प्रोवाइड द फूड फैसिलिटी टू इट्स सिटीजन, इनके जो नागरिकों तक आपकी जो है सिटीजन तक की आपकी जो फूड सप्लाई प्रोवाइड कर सके। और बेटा इट कंट्रोल द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हमारी जो आपकी जो थिंग्स होती हैं, गुड्स होती हैं, जो सामान होता है उनके जो प्राइस है वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, दीज आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, वो ज़्यादातर किसका वर्क होता है, प्राइड आपके जो प्राइस का है कंट्रोल करना वो किसके द्वारा आपके जो है कंट्रोल किए जाते हैं, ये किसके द्वारा आपका फिक्स किए जाते हैं, दीज आर फिक्स्ड बाय आवर गवर्नमेंट के द्वारा ही फिक्स किए जाते हैं। नाउ एक्शन ऑन द सोशल इशूज, यानी कि आपकी जो सोशल इशूज है उनके ऊपर है एक्शन आपका जो किसके द्वारा लिया जाता है, इट इज़ टेकन बाय आवर गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा लिया जाता है। जैसे कि इट टेक द एक्शंस ऑन मैनी सोशल इशूज, जो हमारी बहुत सारी जो सोशल इशूज होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं सोसाइटी के अंदर जो क्रिएट होती हैं उनके ऊपर ज़्यादातर एक्शन किसके द्वारा लिया जाता है, इट इज़ टेकन बाय द गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इट मेक द सेवरल प्रोग्राम्स, बहुत सारे आपके जो प्रोग्राम्स हैं उनको है क्रिएट करती है एंड द इम्प्लीमेंट्स देम, और उनको है लागू भी करती है, जो भी आपके जो प्रोग्राम्स है जो अभी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये आपको इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करती है उनके जो फंक्शन को उनके जो प्रोग्राम्स को है लागू भी करती है। टू हेल्प द पुअर, किसके लिए, ताकि हमारी जो पुअर सोसाइटी आपका जो है पार्ट्स है वो भी उसको है फैसिलिटी को अडॉप्ट कर सके, ठीक है। और इट आल्सो मेक्स द वेरियस लॉ, बहुत सारे आपके जो है कानून बनाती हैं टू प्रिवेंट द फीमेल आपके 40 साइड्स, यानी कि जो आपकी जो औरतों के विरुद्ध जो भी आपके जो बहुत सारे जो क्राइम्स है डेट आर एग्जिस्टेड इन आवर सोसाइटी के अंदर जो एग्जिस्टेड होते हैं तो उनके विरुद्ध भी कानून कौन बनाता है, वो कौन करता है, दीज आपके जो लॉ आर मेड बाय आवर गवर्नमेंट, हमारी जो कानून जो है किसके द्वारा बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा। नौ बेटा प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज, बेटा हमारी जो गवर्नमेंट होती हैं इट प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, किसी भी आपकी जो कंट्री है उसकी जो बाउंड्रीज होती है उसको है प्रोटेक्ट करती है, किसे प्रोटेक्ट करती है, फ्रॉम द एनिमी कंट्री, जो हमारी जो एनिमीज कंट्री होती है उसे है वो प्रोटेक्ट करती हैं
और बेटा इट आल्सो मेंटेन द पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, ये हमारी जो पीसफुल जो रिलेशंस है वो भी मेंटेन रखती है विद द अदर कंट्रीज़ के साथ, यानी कि हमारे जो अच्छे जो आपके जो है रिलेशंस भी आपके जो मेंटेन किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट के द्वारा आपके जो विद द अदर कंट्रीज़ के द्वारा के साथ। और बेटा अंडरटेक द रिलीफ मेजर्स, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इन द केस ऑफ द नेचुरल आपके डिजास्टर, यानी कि जब हमारी कोई भी आपकी नेचुरल आपकी जो डिजास्टर है ओकर होती है, जैसे कि हमारी जो अर्थक्वेक आपको आ जाता है या फिर सुनामी या फिर फ्लड या फिर ड्रॉट आपकी जो सिचुएशन है क्रिएट हो जाती है, द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज एड एंड द असिस्टेंस, आपके जो कैंप है वो आपकी ऑर्गेनाइज करती हैं, उनको अरेंज करती है किसके लिए, फॉर द अफेक्टेड पीपल के लिए, यानी कि जो आपके जो पीपल है अफेक्टेड होते हैं आपके जो प्रभावित हो जाते हैं अर्थक्वेक से या फिर फ्लड से या फिर ड्रॉट से। आपने देखा होगा ना कि कई बार टीवीज के अंदर है आपके जो आपने दिखाए जाते हैं कि कहीं पर भी आपका ड्रॉट है या फिर आपकी सुनामी आ जाती है फ्लड आ जाती है, तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है आपकी हेल्थ जो कैंप है यानी कि जो उसको है ऑर्गेनाइज करती है उन आपके जो अफेक्टेड पीपल्स के लिए। नाउ बेटा मेक्स लॉ फॉर एवरीवन, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है लॉ को आपको बनाती है हर एक किसी के लिए, ठीक है, हर एक आपके सिटीजन के लिए। द गवर्नमेंट मेक्स रूल्स, हमारी जो रूल्स को है आपको बनाती है इन द फॉर्म ऑफ ए लॉ, किसके फॉर्म के अंदर, किसी भी आपके लॉ के फॉर्म के अंदर, कानून के अंदर। और क्यों बनाती है, टू प्रोटेक्ट द राइट्स, जो हमारे जो अधिकार होते हैं उनको है प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं किसी भी आपके व्यक्ति के या फिर किसी भी सिटीजन के जो इंटरेस्ट होते हैं जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो है लॉ है में एक से क्रिएट करती है। और अदरवाइज बेटा द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द सिटीजन्स के हैं आपके जो वो क्या होते हैं डिफर होते हैं, ग्रुप वाइज भी आपको जो डिफर पाए जाते हैं और जो कम्युनिटीज वाइज भी, ये आपके जो हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं जो आपके जो वो हमारी जो डिजायर होती है दे आर द डिफर होती है। और बेटा वो क्या करती है, क्लैश करती रहती है एक दूसरे से, आपको जो टकराती रहती है विद ईच अदर। और बेटा इसलिए जो गवर्नमेंट टेक द कलेक्टिव डिसीजन, हमारे जो आपका जो है कलेक्टिव डिसीजन लेती है ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स पीपल, अपने जो पीपल की आपके बिहाफ के उस पे ऊपर बाय द एक्सरसाइजिंग द लीडरशिप। और वो किसके द्वारा किया जाता है, दिस वर्क या दिस डिसीजन इज टेकन बाय द लीडरशिप के द्वारा लिया जाता है, यानी कि एवरीवन हु लिव इन द कंट्री, जो आपकी जो कंट्री के अंदर आपका जो है रहता है हैज़ द राइट, वो आपका क्या रखता है, आपका अधिकार रखता है। और बेटा ही हैज़ टू फॉलो दिस डिसीजन और लॉ, उसको है आपका जो है इन आपके जो गवर्नमेंट के द्वारा आपके जो रूल्स है या फिर डिसीजन आपके जो टेकन लिए जाते हैं उनको उसको है फॉलो करना होता है, उसको है मानना पड़ता है। एक अ गवर्नमेंट हैज़ आल्सो द पावर टू एनफोर्स द डिसीजन, आपके जो डिसीजंस हैं उसको है लागू करने की जो पावर है वो भी आपकी जो है गवर्नमेंट को दी जाती है। और बेटा इट इम्प्लीमेंट्स देम अमंग ऑल द सिटीजंस, जो भी आपके जो रूल्स है या फिर लॉ है जो भी मेक बनाए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, वो उन्हीं आपके जो रूल्स को हैं जो आपके लॉ को है इम्प्लीमेंट्स करती हैं, लागू करती हैं अमंग ऑल सिटीजन, हर एक अपने नागरिक के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा आप देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ मेड रूल फॉर द प्रिवेंट द चाइल्ड लेबर, क्योंकि आपके जो चाइल्ड लेबर को है उसके विरुद्ध भी हमारे जो है रूल्स है वो आपके जो बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। आप देख सकते हैं इफ़ एनी बडी इम्प्लाइज ए चाइल्ड, आपका यदि कोई भी आपकी जो है आपके जो बच्चे को है इम्प्लाय करता है अपने उसके अंदर शॉप के अंदर है मजदूरी कराता है बिलो द एज ऑफ द 14 ईयर, आपकी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को एज ए लेबरर के तौर पर अपना जो है इम्प्लाय रखता है, ही या सी कैन बी द जेल्ड, उसको क्या हो सकती है, जेल हो सकती है या फिर उसको फाइन लग सकता है, अ लार्ज सम ऑफ द मनी, आपको बहुत ज़्यादा पैसे का उसको है फाइन है पेड करना पड़ता है बेटा फॉर दिस क्राइम के लिए। और बेटा इससे ज़्यादा इफ एनीबडी फील, यदि कोई अनुभव करता है उसको थोड़ा सा रियलाइज हो जाता है डैट ए पार्टिकुलर लॉ इज नॉट बींग फॉलोड, कि हमारा जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आपका जो कानून बनाया गया है उसको अच्छी तरह से आपका जो है फॉलो नहीं किया जाता है, ही या सी वो जो व्यक्ति है आपका मेक कंप्लेन, वो क्या कर सकता है, वो कंप्लेन कर सकता है टू द कोर्ट, कहां पर इसकी कंप्लेन करेगा, कोर्ट के अंदर।
और बेटा द कोर्ट कैन गिव द ऑर्डर रिलेटिव टू डैट इशू, उस मामले से आपका जो है जो ऑर्डर है उसको है देती है। और इस तरह से इफ अ पर्सन कंप्लेन इन द कोर्ट, यदि कोई वैसी व्यक्ति है जो कंप्लेन करता है इन द कोर्ट के अंदर डैट द चिल्ड्रन आर बींग एम्प्लॉयड इन हिज नेबरहुड, कि किसी भी आपके 14 साल से बच्चे को है उसको है एम्प्लॉयड किया जाता है, उसको है मजदूरी कराई जाती है उसके नेबरहुड के अंदर, द कोर्ट कैन गिव ऑर्डर, जो कोर्ट है उसको है ऑर्डर देती है टू द पुलिस को, किसको ऑर्डर देगी कोर्ट, पुलिस को ऑर्डर देगी टू आपका इन्वेस्टिगेट करने के लिए यानी कि उसकी जांच करने के लिए इस इशू की इस मामले की। और बेटा द गिल्टी आपका जो कोई भी आपका जिसको है अपराध है आपका जो है बिल्कुल आपको जिसको अपराधी पाया जाता है शुड बी पुनिश्ड, उसको क्या दी जाती है आपकी जो है सजा दी जाती है बाय द गवर्नमेंट के द्वारा बाय द आपके जो कोर्ट के द्वारा। नो बेटा नेक्स्ट पॉइंट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो।